तो दोस्तों, पिछले एक महीने में अच्छा खासा उछाल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी 50 इंडेक्स फिर से 18,000 के ऊपर यहां पर आ चुका है, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे गिरे हुए हैं। और वो स्टॉक्स ऐसे भी स्टॉक्स हैं साथ में जो अच्छे रिजल्ट्स भी साथ साथ पेश कर रहे हैं। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, इंडेक्स स्पेसिफिक होकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको स्टॉक्स पे फोकस करना है और उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है जो ऑलरेडी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ तीन ऐसे स्टॉक्स भी बताने वाला हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग का करना चाहते हैं तो ये तीन स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस ये नहीं रहने वाली है, सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली कंपनी आ जाती है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो इस कंपनी के बारे में हमने 400 500 के लेवल्स पे भी बात की थी। जब इसका शेयर 500 के लेवल्स पे गया था तब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अभी इसका शेयर 650 के आसपास आ चुका है। अब ये जो कंपनी है, इसके जो रिजल्ट्स हैं अभी रिसेंटली काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लगभग 2 गुने इसके प्रॉफिट हो गए हैं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ रिसेंटली इस कंपनी ने हाइड्रोजन बसेस बनाने का भी ऐलान किया है, उसके बाद ही इसके स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो कंपनी अच्छी है, एक मल्टीबैगर कंपनी ऑलरेडी रह चुकी है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे आई हुई है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो एक सेक्टर है सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये एक थोड़ा सा यूनिक कंपनी है कि ये ई बसेस बनाने के काम में है, साथ साथ ई ट्रक्स बनाने का भी काम इसने शुरू किया है। तो अगर फ्यूचर में आज से 10-12 साल बाद ई व्हीकल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इस कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है ये, तो ये चीज है कि यहां पर आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और ये चीज हमने ऑलरेडी देखी है जब हमने 400 से 500 की रेंज में इसमें इन्वेस्ट किया था तो 650 के आसपास ये शेयर आ चुका है। अब देखिए, आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है क्योंकि बॉटम पकड़ना किसी भी शेयर का मुश्किल होता है। हो सकता है 650 से ये शेयर फिर से 500 550 की रेंज में चला जाए, तो इसलिए हर मार्केट कंडीशन में थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसी कंपनीज में आप लगाकर चल सकते हैं जो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से गिरी हुई है। सिर्फ इसलिए मार्केट में इन्वेस्ट करने से नहीं बचना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हर मार्केट कंडीशन में अवेलेबल होती है। दूसरी कंपनी जिसके बारे में मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी बात की है, इंडिगो पेंट्स। तो ये शेयर भी अभी 1200 रुपीज के रेंज में चल रहा है, 1000 रुपए की रेंज में हमने पहले भी बात की थी लगभग एक महीने पहले जब हमने इन्वेस्ट किया था। इससे पहले इसका जो शेयर है वो 2500 के ऑल टाइम हाई से गिरकर अभी 1000 रुपए तक चला गया था। 1000 रुपए से अब इसके शेयर ने 20% का उछाल देकर 1200 रुपए के आसपास है, लेकिन अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर इसकी देखते हैं तो काफी सस्ते में ये कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जो पेंट सेक्टर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपना दिखा रही है और मुझे लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न दे सकती है और मैं खुद भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो वो चीज आपको समझनी है कि व्यूज बायस्ड हो सकते हैं, 5 साल 10 साल की चाहे आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, सेल्स की ग्रोथ देखें, एक अच्छी ग्रोथ इस कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स में भी यहां पर रही है। तो मुझे लगता है कि पेंट सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ ये कंपनी आने वाले टाइम में यहां पर दिखा सकती है क्योंकि अभी भी एक मेजरली रीजनल काम ये कर रही है, केरला में ज्यादा इसका काम है, तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी अच्छा स्कोप है इसका ग्रोथ का। तीसरी कंपनी ये भी ईवी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो ईवी सेक्टर में ये कंपनी भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है, मैं बात कर रहा हूँ सोना बीएलडब्ल्यू की। अब ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है इसमें भी ऑलरेडी, अभी भी ये 500 रुपये के आसपास शेयर मिल रहा है, 400 से 500 की रेंज ऐसी है जिसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये कंपनी दे रही है। 400 रुपये में एक अच्छा इसने अपना जो बॉटम था वो बनाया था, एक अच्छा सपोर्ट था और वहां से घूमकर अब ये शेयर भी 500 रुपए के आसपास आ चुका है, लेकिन 20% उछाल के बाद भी एक अच्छा खासा गिरावट ऑल टाइम हाई से अगर आप इसके कंपेयर करते हैं तो दिखता है। ये कंपनी बेसिकली ईवी जो है उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम कर रही है, मेजरली यूरोप और अमेरिका को ये अपना काम सप्लाई कर रही है।
फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के की बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो जो ईवी सेक्टर है उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लेकिन इन दोनों ही कंपनी इलेक्ट्रा ग्रीनटेक और सोना BLW का जो एक चीज़ आपको समझनी है कि इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है ये थोड़ा सा हायर साइड पे है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है तो मार्केट ने ऑलरेडी इनको हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो दी हुई है। तो वो एक रिस्क भी इन दोनों कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दीपक नाइट्राइड भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। 1700 से लेकर 1800 की रेंज में हमने लगातार बात की थी, इन्वेस्ट भी किया था। मैंने आपको बताया था कि 1700 की एक ऐसी रेंज है इस कंपनी की जिसमें पिछले एक साल से एक अच्छा खासा सपोर्ट यहां पर है। अब ये शेयर 1900 के आसपास आ चुका है, लेकिन 1900 पे भी इसका शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका भी 3000 के आसपास रहा है। तो ये शेयर भी एक अच्छा खासा उछाल दिखा चुका है। जब मार्केट अपने पीक पे हुआ करती थी अक्टूबर 2021 में, उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली है। और केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा अभी हो सकता है 3-6 महीने और आपको थोड़ा रिटर्न्स के मामले में म्यूटेड रिटर्न्स देखने को मिले। लेकिन दीपक नाइट्राइट एक ऐसी कंपनी है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, लगातार ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, नए अपने प्लांट सेटअप कर रही है, नए सेगमेंट्स में ये कंपनी जा रही है। 5 और 10 साल की आप प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसे ही मार्केट की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह कम होगी, तो ये कंपनी एक बहुत तेज़ी से आगे भागने वाली है। तो ये कंपनी भी एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है और यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छी रिटर्न्स कमाने की। इसके अलावा एक ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली काफ़ी सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं अच्छी नहीं है, रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, मैं बात कर रहा हूँ पेटीएम की। पेटीएम में दोस्तों अगर आपको याद हो 500-550 की रेंज में मैंने बात की थी आपको इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने आपको तब भी बोला था कि हो सकता है कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, लेकिन प्राइस अभी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वहां से लेकर 689 के पास इसका शेयर आ चुका है। रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं पेटीएम के और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इन्होंने अपना जो लॉस है उसको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम किया है और आने वाले टाइम में ये भी माना जा रहा है, कंपनी की ये मानना है कि आने वाले टाइम में लॉसेस बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। रेवेन्यूज में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि अभी भी अगर आपको पता ही है कि पेटीएम अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से, हालांकि जो न्यू एज कंपनीज हैं उनका फेयर प्राइस पता करना बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ से भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा उछाल इस कंपनी में देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर भी याद रखिए मैंने खुद भी इस कंपनी में 600 की रेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको एज अ डिस्क्लेमर लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, 3-6 महीने के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी रिटर्न्स मुझे लगता है पेटीएम आपको देने वाला है। फंडामेंटली शायद इतनी अच्छी कंपनी ना हो, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन प्राइस वाइज मोमेंटम वाइज ये कंपनी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। ये चीज़ हमने 1-2 महीने पहले 500-550 की रेंज में भी मैंने आपको बोला था पेटीएम के बारे में, आज फिर से बोल रहा हूं लगभग 700 रुपए का हो चुका है। और देखते हैं कि कल जो इसके रिजल्ट्स हैं उसके मार्केट में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है या नहीं आता है वो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही इसके जो लॉसेस हैं वो जीरो होंगे एक अच्छा उछाल और भी इसके शेयर में देखने को मिलने वाला है। तो इस कंपनी के शेयर पे भी आपको नजर रखनी जरूरी है। इसके अलावा देखिए हैप्पीएस्ट माइंड पे काफी सारे लोगों के सवाल भी आते हैं और मैं लगातार यही चीज बोलते आया हूं। पिछले वीक भी मैंने बोला था कि 800 की ऐसी रेंज है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक हफ्ते में आप देखेंगे 800 से 871 पे ये कंपनी का शेयर आ चुका है। तो 800 से 850 की ये जो रेंज है इसको पकड़ के रखिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, रिटर्न्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंपनी में फंस गए हैं, खराब कंपनी है। देखिए लॉन्ग टर्म में ये सारी कंपनीज आपको अच्छी रिटर्न्स देंगी, ये हो सकता है 3-6 महीने 12 महीने में कुछ आपको इन कंपनीज में रिटर्न्स कम मिले, लेकिन कंपनी अभी भी फंडामेंटली अच्छी है। 800 से 850 की रेंज में आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बनती है, ऑल टाइम हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये कंपनी भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा एक कंपनी की स्पेसिफिकली बात करूंगा, वरुण बेवरेजेस, कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है, अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन
फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, लगातार रिजल्ट्स अच्छे इसके आ रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है और मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये कंपनी अच्छा रिटर्न्स यहां से भी आपको बनाकर देगी। प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लगातार हर क्वार्टर में ये कंपनी एक अच्छे प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है और इनका जो बिजनेस है ये भी काफी अच्छा बिजनेस है, बेवरेजेस की बॉटलिंग वगैरह का काम ये कर रही है और मुझे लगता है कि यहां से भी अच्छी रिटर्न्स ये कंपनी दे सकती है। तो इस कंपनी में हर गिरावट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, ये एक ऐसी कंपनी आप रखिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जैसे जैसे 5-7% कभी मार्केट के सेंटिमेंट बिगड़ने पे इस कंपनी में गिरावट आती है वहीं आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। एक ऐसी कंपनी है आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनाकर देने वाली है, ऑलरेडी अपने 3 साल में एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है और अभी भी जो इसके रिजल्ट्स हैं वो इसकी रिटर्न्स को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जहां पर आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में आपको हिस्सा बनाना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सारी कंपनीज को वॉचलिस्ट में ऐड कीजिए, कंपनीज के बारे में पढ़िए, जो कंपनीज आपको समझ आती है आपके रिस्क को सूट करती है उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। और देखिए कल भी मैंने ये चीज बोली थी, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो लोग पूछ रहे हैं क्रैश आएगा या ऊपर जाएगी, देखिए इन चीजों में हमें नहीं जाना है कि क्रैश आएगा या मार्केट ऊपर जाएगी, हमें बस अपना स्टॉक्स पे फोकस रखना है। ऑलरेडी हमारे स्टॉक्स ने अच्छी रिटर्न्स दे दिए जिन पे मैंने बात नहीं की है, मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स जिन पे हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं उन्होंने अच्छी रिटर्न्स दे दिए है, उनको पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए और पैसा है जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट आपको दे दी है इन कंपनीज में, थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और दोस्तों अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मुझे तो जरूर जाके फॉलो कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, धन्यवाद।